चखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स हैं। ये अपने लिए चना चाट लग रहा है, ये मसाले डल रहे हैं, ये देखिए कहीं पे भी होटल के अंदर आपको पीनट मसाला के अंदर फ्रूट्स नहीं दिखेंगे। तो ये हमारे लिए अब सलाद की प्लेट लग रही है। अंकल कह रहे हैं जूस की रेडी लगाई, पापड़ बेचे, भुजिया बेची, वेल्डिंग करी, इलेक्ट्रॉनिक करा, पता नहीं क्या क्या करा। कभी कभार विस्की के साथ ट्राई कर सकते हो, मतलब मक्खन का तड़का लगाया हुआ है इसके अंदर। अगर आपको चाहिए बढ़िया चखना इस पे आना है। हम ट्राई कर रहे हैं, तो सूखा ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक थोड़ा गिल्ला ट्राई करेंगे। सो हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जितने भी लोग पीने खाने के शौकीन हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सर्दियों में हमारा दिल करता है कुछ ट्राई करने का, हार्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो हार्ड ड्रिंक के साथ हमें अगर चखना चाहिए तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो स्पेशली। चखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स हैं और आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। चलिए मेरे साथ। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। तो मुझे आपकी ना ये कार्ड बहुत अट्रैक्टिव लगी और मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर खा रहे थे। पहले मैंने पूरी सारी कार्ड से यहाँ पर चेक करी, सबसे बढ़िया मेरे को आपकी लगी। तो क्या कुछ है पहले ये बता दीजिए। अपने पास मोर चाट है जी, स्वीट कॉर्न है, पीनट चाट है, फ्रूट चाट है, और सफ़ेद चने हैं जी, और वेज रायता है जी। और ये सलाद वगैरह भी है क्या? क्योंकि आज हम स्पेशली जो है ना चखना शूट कर रहे हैं कि चखने में क्या क्या आइटम हो सकती है। तो स्पेशली जो है पीनट मसाला एक, और हमारे लिए कर दीजिए आप एक सलाद की प्लेट और एक चना चाट। चना ये कौन सा है? ये गरम वाला का? हाँ गरम वाला है। अच्छा अच्छा ठीक है जी। पैन के अंदर आप फ्राई करोगे इसको? हाँ जी हाँ जी, अमूल मक्खन के अंदर। अच्छा अच्छा, तो ये कितनी पुरानी है सर आपकी ये कार्ड? ये तो वैसे तो 6 महीने ही हुए हैं जी। 6 महीने हुए हैं सिर्फ? हाँ जी। 6 महीने के अंदर मैं मतलब किसी फ्रेंड ने बताया था मेरे को। हाँ जी हाँ जी। कि वहाँ पे एक अंकल जी हैं, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम तो कृष्ण ग्रोवर है जी। कृष्ण ग्रोवर जी। और ये किस नाम से खोली हुई है आपने? जी चाट पॉइंट के नाम से। जी चाट पॉइंट के नाम से। हाँ जी। पहले क्या करते थे आप? ऐसे पहले क्या बताएं जी, बहुत काम किए हैं, सबको कामयाब कर करके छोड़ दिया जी। मतलब क्या क्या काम किया करते थे ऐसा? ये खाने पीने का एक्सपीरियंस कहाँ से आया आपको? एक्सपीरियंस तो वैसे ही चलते फिरते, हमारे पिताजी का कोई टाइम में होटल आया करता था। अच्छा जी। उनसे थोड़ा बहुत सीख लिया। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। तो अभी तो जैसे 6 महीने हुए हैं, और क्या क्या किया आपने लाइफ में पहले? मैंने फ्रूपोर्ट में तो जी बिजली की दुकान थी जी अपनी। अच्छा जी। इलेक्ट्रॉनिक्स, चेतक पंखे, शर्फी मशीनें, अच्छा होलसेल काम था जी अपने पास में, गाड़ियाँ थी दो। अच्छा जी। उसको फिर बंद करके वो भाई को दे दिया, फिर उसके बाद में होटल पे पिताजी के साथ में रहने लग गए। अच्छा जी। फिर उसके बाद में चप्पलों की दुकान की, लेडीज चप्पलों की। चप्पलों की दुकान। अच्छा जी, जी। फिर उसके बाद में वो यार दोस्त को दे दी। अच्छा। फिर उसके बाद में वेल्डिंग की दुकान की जी। वेल्डिंग की दुकान। हाँ जी हाँ जी। मतलब कोई प्रोफेशन नहीं छोड़ा आपने? ना जी ना। और भी कुछ किया है बता दो? उसके बाद में भुजिया की फैक्ट्री लगाई। और बस, और तो फिर ये किया जी। मतलब मैं सोच रहा था कि जिंदगी में सबसे ज्यादा पापड़ मैंने ही बेले, लेकिन आज मेरा जो ना मेरा भ्रम टूट गया। अंकल कह रहे हैं जूस की रेडी लगाई, पापड़ बेचे, भुजिया बेची, वेल्डिंग करी, इलेक्ट्रॉनिक करा, पता नहीं क्या क्या करा। मैं दंग रह चुका हूँ। अब हर मैदान फतेह करा आपने? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अपने आदमपुर के अंदर में सारे काम कामयाब है जी अपने। ओके। हाँ जी हाँ जी। कम से कम 10 लड़के हैं जी, 10 के 10 कामयाब, बढ़िया रोटी खा के कमा के खा। क्या बात है, क्या बात है। अब देखते हैं, जैसे अंकल जी बता रहे हैं ना कि जहाँ हाथ डाला है वहाँ पे फतेह हासिल करी है, अब देखते हैं कि ये चखने के मामले में अंकल के अंदर कितना दम है। तो चखना दिखाइए पहले। आ जाइए मेरे भाई साहब ऋषभ जी। ये अपने लिए चना चाट लग रहा है, ये मसाले डल रहे हैं और स्वाद आ जाएंगे। कौन कौन से वैसे मसाले डाले हैं थोड़े बहुत बता? मसाला है जी। चाट मसाला हो गया, सिंपल नमक हो गया, काला नमक हो गया, और किचन किंग है जी। किचन किंग। हाँ जी हाँ जी। और थोड़ी सी ये पीली मिर्च है जी। क्या बात है, कर हर मैदान फतेह, वो गाना याद आ गया मेरे को। क्लोजअप ले लीजिए आगे आगे ऋषभ जी। ये चना चाट मसाले का तड़का लगता हुआ, और क्या बात है यार, सुपर लगाते रहो। तो ये हमारे लिए अब सलाद की प्लेट लग रही है। अब देखो ठंड बढ़ रही है, और यू नो कभी कभार विस्की के साथ
ट्राई कर सकते हो। मतलब इसको गलत मत लेना कि कहीं यहीं आके विस्की का पैक लगा के खड़े हो जाओ। मैं बता रहा हूँ कि पैकिंग की सुविधा है ना अंकल जी। हाँ जी, हाँ जी। पैक करवा के लेके जाओ अपने घर बैठ के। बढ़िया, दो दो घुट लगाओ। इस वीकेंड पे मैं भी लगाने वाला हूँ, वैसे मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन आज तो मैं ये सिर्फ खाऊंगा। नेक्स्ट वीकेंड पे अंकल जी पार्टी है हमारी, तो बैचलर पार्टी है, तो चटपटा बढ़िया तैयार कर देना। वैसे आज मैं टेस्टिंग के लिए आया हूँ, अगर आप आज पास हो गए तो नेक्स्ट हमारी जो हार्ड ड्रिंक्स पार्टी है उसमें आपको फिर हाईलाइट किया जाएगा। और देखते हैं और क्या हो रहा है भाई साहब। बढ़िया, बाकी हो रहेगा भाई। टमाटर, खीरा, गाजर, प्याज। बढ़िया यार। तो यहाँ पर सलाद तैयार होता हुआ, इसके अंदर भी चटपटे मसाले डालेंगे, किचन किंग वगैरह जो पहले बताए थे वही चना चाट वाले मसाले डालेंगे ना। नहीं नहीं खाएंगे। कितने रुपए की प्लेट अंकल जी? ये 50 रुपए की। ये 50 रुपए की है। गाइस आप बार में जाओगे ना, आपसे 100 या 150 रुपए से कम की प्लेट नहीं मिलेगी किसी भी बार में। मैं सभी बार जो है ट्राई कर चुका हूँ, इतार के जाता रहता हूँ, तो क्योंकि मैं शौकीन हूँ। यहाँ पे 50 रुपए की मिल रही है, क्या बात है। अब से बार में जाना बंद, अंकल से सामान लेंगे और घर बैठ के इंजॉय करेंगे। अपने लिए लगा रहे हो ये? तो क्या कुछ डाला है ये? प्याज डाला और दूसरा खीरा। प्याज, खीरा, टमाटर। क्या बात है। और कुछ डालते हो इसमें? जी। किसी भी बार के अंदर हिसार में मैंने पीनट मसाला हमेशा ऑर्डर करता हूँ मैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें नहीं डलती। इसका टेस्ट बहुत गजब होने वाला है। होटल वाले नहीं डालते हैं अंकल जी ये? हाँ हाँ नहीं डालते। इसका रेट क्या है? 70 रुपये। 70 रुपये, मतलब आधा रेट है बिल्कुल। सीरियसली बताऊँ आपको, सेक्टर 14 का जो सेकंड नंबर गेट है वहाँ पे एक मार्केट बन चुकी है, पूरा हब रेडी मार्केट। ये मूंगफली वगैरह बढ़िया क्वालिटी ले रखी है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। होटल वगैरह में ना कहानी वो नहीं निकलती है अंकल जी। ना अपने में निकलेगी। अच्छा जी, तो ये हमारी थर्ड आइटम लग रही है अब, और तीनों ट्राई करेंगे, टेस्ट बताएंगे। रेट मैं आपको बता चुका हूँ, आधा रेट है बिल्कुल, होटल से आधा रेट है बिल्कुल। जब तक ये रेडी हो रही है मैं थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली एड्रेस है कहाँ। तो गाइज सेक्टर 14 हिसार के सेकंड नंबर गेट पे, यहाँ पे सारे बैंक्स वगैरह, उसके पीछे ये मार्केट बनी हुई है। थोड़ा सा कैमरा घुमा के एक बार दिखा दीजिए, ये पूरा हब बन चुका है स्ट्रीट फूड मार्केट का। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ये द चाट पॉइंट के नाम से है। अगर आपको चाहिए बढ़िया चखना तो इस पे आना है आपको। ये नंबर भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैमरे में, दिखाइए भाई। 9812965311, एड्रेस नंबर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो पीछे भीड़ लग चुकी है देखिए। क्या हाल है भाई जी? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो अंकल पे मिल रहा है बेस्ट चखना, हम ट्राई कर रहे हैं आज, हम ट्राई कर रहे हैं आज, तो सुखा ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक थोड़ा गिल्ला ट्राई करेंगे। अच्छा टेस्ट है, अच्छी बढ़िया है। हाँ स्वाद आ जाएगा, है बढ़िया। क्या बात है भाई, चलो ठीक है भाई साहब, इंजॉय करो। सो गाइज लेट्स रिव्यू। तो अब बहुत दिन हो गए हैं मेरे को कोई ऐसी आइटम खाने को जिसको खाने के बाद मैं ये बोलूँ कि जन्नत के नज़ारे। आई डोंट नो कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, बट मैंने मेकिंग देखी, आई कैन गारंटी इट कि इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया होने वाला है। तो हम ट्राई कर रहे हैं हिसार शहर का बेस्ट चखना। तो ये सारी आइटमें चखने में भी आती है, आप इसे गलत मत लीजिएगा। और वैसे भी आप हेल्दी अगर स्नैक्स खाना चाहते हो तो भी खा सकते हो, अगर कोई डाइटिंग वगैरह कर रहा है तो ये खा सकता है।
के बच्चे भी खा सकते हैं, जिम वाले बच्चे भी खा सकते हैं और वैसे दूसरे लोग भी खा सकते हैं। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं तो जिम वगैरह जाता हूँ, तो ये पहले मैं पीनट मसाला चेक कर रहा हूँ जो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देता हूँ, ये देखिए कहीं पे भी होटल के अंदर आपको पीनट मसाला के अंदर फ्रूट्स नहीं दिखेंगे। इसके अंदर फ्रूट्स भी डाले हुए हैं, 3-4 वेजेस डाली हुई है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स टेस्ट। आज तक जितने भी पीनट मसाला मैंने ट्राई किया है सब इससे नीचे है, इससे बढ़िया मेरे को कहीं नहीं मिला। इसके अंदर जो फ्रूट्स अंकल ने डाले हैं, एक्स्ट्रा वेजेस डाली है, उससे अलग ही टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। पर 50 रुपये के अंदर एकदम भरी हुई प्लेट सलाद की सब्जियां देखिए, कहीं नहीं मिलेगी आपको 50 रुपये में इतनी बड़ी प्लेट। मक्खन का तड़का लगाया हुआ है इसके अंदर चना मसाला में, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि कस्टमर को हेल्दी फूड चाहिए, हेल्दी के साथ साथ स्वाद चाहिए, टेस्ट चाहिए। अल्टीमेट टेस्ट है, हेल्दी आइटम्स हैं, टेस्ट भी है, पैसे भी कम हैं, ओवरऑल पैसा वसूल है और मैं इसे कह सकता हूँ कि जन्नत के नज़ारे, सुपर, नो डाउट। तो अगर आपको हेल्दी आइटम्स खानी है या फिर आपको चखना चाहिए, आप अंकल जी के पास आएँ, पैकिंग करवाएं, यहाँ बैठकर खाएं, मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमारे पेज को फॉलो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए धड़ाधड़ धमाकेदार वीडियो आती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।